आज कांग्रेस पार्टी ने जनपद संभल में उन्नाव रेप कांड की पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए हस्ताक्षर चलाया, जिसमें जनपद के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उन्नाव रेप कांड की पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए हस्ताक्षर किए। इस विषय में कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष विमलेश कुमारी ने कहा, जिस तरह से बीजेपी ने आरोपी विधायक कुलदीप सेंगर का बचाव किया है, इसके विरोध में हम लोगों ने पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए ये अभियान चलाया है। ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभियान चल रहा है, उन्नाव में जो पीड़िता के साथ रेप हुआ था उसमें आप लोग हस्ताक्षर करा रहे हैं, पब्लिक से जानकारी ले रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस पार्टी सदैव से ही उन्नाव की बेटी की लड़ाई लड़ रही है और आज जिला कांग्रेस कमेटी प्रत्येक ब्लॉक, प्रत्येक नगर, वार्ड वार्ड में अलग अलग कैंप लगा करके हम लोगों का मत ले रहे हैं कि हम उन्नाव की बेटी को न्याय दिलाने के लिए हस्ताक्षर अभियान हम चला रहे हैं। लोगों का नाम और उनका मोबाइल नंबर, उनका साइन के साथ उनकी सहमति ले रहे हैं कि जो दोषी है बीजेपी का विधायक सेंगर, कुलदीप सेंगर, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। जल्द से जल्द सजा का कोई ना कोई कोर्ट के द्वारा प्रावधान होना चाहिए, उस बेटी के साथ न्याय होना चाहिए और हम जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से पूरा आश्वासन देना चाहते हैं उन्नाव की बेटी को कि कांग्रेस पार्टी आपके साथ सदैव खड़ी है और हमेशा आपके साथ खड़ी रहेगी। आपको न्याय मिलने के बाद भी देश की प्रत्येक बेटी के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। इसके बारे में हमारा यही कहना है कि देश की कोई भी बेटी हो, ये तो उन्नाव की बेटी है, देश की कोई भी बेटी हो जिसके साथ कोई बाहुबली या कोई भी नेता इस तरह की घटना करने की कोशिश करेगा या करेगा, उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। कब तक भारत देश में इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी? सरकार कब तक इस तरह सोती रहेगी? कब तक गरीबों पर जुल्म ज्यादती होता रहेगा? इसके खिलाफ आवाज़ उठानी है और हम उठा रहे हैं और आगे भी इस बात को लेकर हम हमेशा आगे उठाएंगे। कांग्रेस पार्टी हर एक मजलूम के साथ, जिसके साथ जुल्म हो रहा है, साथ खड़ी रहेगी, कांधे से कांधा मिला के हर हाल में। लोगों का जन समर्थन हमारे साथ है। प्रदेश सरकार 2 साल तक लड़की को न्याय दिलाने में विफल है। 2 साल तक वो अन्याय करता रहा, जेल से अपना कारोबार चलाता रहा। इस पर बार बार उस लड़की के पिता की हत्या कर दी गई थाने में बुलाकर। डॉक्टर ने उसका जो मेडिकल किया वो डॉक्टर भी कल्पित है 120 दी का। जिस डॉक्टर ने लड़की के पिता को ये बताया कि जेल में जाने लायक है, इसको इलाज की ज़रूरत नहीं है और अगले दिन वो मर गया, वो डॉक्टर भी जिम्मेदार है उस मेडिकल रिपोर्ट को बनाने वाला। ये सब साठगांठ है उत्तर प्रदेश सरकार की और योगी जी न्याय प्रिय बनते जरूर हैं लेकिन हो नहीं पाया इनसे न्याय। केवल सेंगर को जातिवादी आधार पर बचाने के लिए ये ऐसा करते रहे। अब उम्मीद है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने लड़की को 25 लाख रुपये मुआवजा दिलवाया है। मैं ये मांग करता हूँ उसके अधिवक्ता को भी मुआवजा दिया जाना चाहिए। वो अकेला आदमी है उन्नाव ज़िले में जो सेंगर के खिलाफ झंडा लेकर खड़ा हुआ है, वरना उन्नाव ज़िले के अधिवक्ताओं ने भी मना कर दिया कि हम इसके खिलाफ नहीं बोलेंगे। आई वुड श्योरली से डेट इनको सज़ा मिलनी चाहिए बिकॉज ये गलत है।